हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लगाने वाले हैं। इससे पहले इसका सेट नंबर 21 तक दिया जा चुका है। किरण पब्लिकेशन का भी क्लास है। आप में से जो भी लोग नए हो, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। बिहार पुलिस के लिए काफ़ी सारा क्लास है, आप लोग उसे ज़रूर देख लेंगे। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है, यह ध्यान रखिएगा। और आज आप सेट नंबर 22 यानी कि 22 देख रहे हो। इससे पहले जो भी सेट है करवा दिया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर ही लें। आइए सेट नंबर 22 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आप लोगों को कुछ कहना हो कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी क्लास आएगा बिहार पुलिस का, उसे आप लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा में है। आपको ध्यान रखना है गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। इसके बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा, संविधान का जो भाग 4 है यानी कि भाग 4 के 36 से लेके 51 तक के जो अनुच्छेद हैं, इसी में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, संविधान का जो 56वां संशोधन हुआ था उसी के तहत ना गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। और यह कब हुआ था, अगर यह एग्जाम में पूछ ले तो 30 मई 1987 को, आप ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन है बस उसे नहीं देखना है, जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उस पर भी आप पकड़ बना लीजिएगा, क्या पता एक्सप्लेनेशन से ही सवाल आ जाए। नंबर सेकेंड, संसद के कितने सत्र होते हैं। चलिए सेकेंड नंबर का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं जिनको भी जवाब पता होगा कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वाले सेट में आप इसका आंसर देख लीजिएगा। नंबर थर्ड है, संसद यहाँ पे ना कितने सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून, शीतकालीन या फिर सभी होते हैं। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करें। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है। देखिए एक्स किरणें जो है ना लकड़ी को पार कर सकती है, मांस को भी पार कर सकती है, त्वचा को भी कर सकती है, क्या बचा यहाँ पे, अस्थि। आपको ध्यान रखना है कि ये अस्थि को पार नहीं करती है। सवाल यहाँ पे आपके लिए ध्यान रखना है, बन सकता है इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज रॉन्टजन ने किया था। नंबर फोर है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा, एंडरसन के द्वारा किया गया था। एक जूल बराबर होता है कितने के, नंबर यहाँ पे आपको सी टिक करना होगा, 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है एक जूल। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अगर आपसे पूछे एक कैलोरी में कितना जूल होता है, आप एक कैलोरी अगर पूछेगा एक कैलोरी में जूल बता दीजिए कितना होता है, 4.186 जूल आप यहाँ पे बता देंगे। नंबर सिक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे आपको फील करना है क्या होगा, आइदर यू और ही के साथ आप क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी हैज टू लीव द प्लेस सही हो जाएगा। नंबर सेवन है, चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे है आई मस्ट हेल्प द पुअर। ऑप्शन नंबर आप यहां पे द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी सही जवाब टिक करिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, कह रहा है यहां पे कौन सा सेंटेंस सही है, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक लीजिएगा। नंबर डी वी बिलीव इन गॉड सही जवाब यहां पर है। नंबर नाइन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स फॉर्म एट द माउथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको टिक करना होगा, एंग्री, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज, ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी कहलाता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम बेंजोएट आपको बता देना है। विघटन भिक्ता का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपको बताना होगा, अस्थाई न्यूक्लियस की वजह से होता है। विघटनाभिकता का कारण अस्थाई न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 13 है,
उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी ना मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल आप बता दीजिएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है, आप अच्छे से जानते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम याद करिए क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन होता है। अच्छा, विटामिन सी के बारे में ध्यान रखिए, जैसे नींबू है, संतरा है, नारंगी है, आंवला है, टमाटर है, खट्टा जो पदार्थ होता है, मिर्च वगैरह है, इन सब से प्राप्त होता है। जुकाम जिसे आप मामूली ठंड कहते हो, इसका जो कारण है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है, मतलब फिर से जो दांत आते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, 20 ऐसे दांत होते हैं जो वापस इंसान के शरीर मुंह में आ जाते हैं। व्यर्थ में कौन सा समास है? व्यर्थ में अव्ययी भाव है, ए सही जवाब। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रतिलोम हो जाएगा। जो पीछे चलता हो, ऑप्शन नंबर सी, उसे अनुचर कहते हैं। महतिच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महति जोड़ इच्छा बराबर होता है महतिच्छा। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था कहाँ पर? यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? ए राइट आंसर, एक अगर अपवर्तनांक होगा निर्वात में अदृश्य हो जाएगा। कह रहे एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का परिमाण का जो बल है वो कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक ही समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। फिर से समझ लीजिए एक बार, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल गति में करता है। निष्कर्षण इसका यह है कि कण जो है ना एक वृत्तीय पथ पर ही गति करता रहता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़िता किसकी होगी? हवा की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए गैस का जो संपीड़िता है ना सर्वाधिक होता है, क्यों? क्योंकि ना गैस का जो घनत्व है वो न्यूनतम होता है और प्रवाह इसका अधिकतम होता है। नंबर 24, एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? यहाँ पर ना 1 मीटर का होता है। अगर मनुष्य 2 मीटर लंबा है उसके आधे की ज़रूरत पड़ती है उसको दर्पण की, यानी कि 1 मीटर हो जाएगा, 10 रहता तो 5 मीटर की ज़रूरत पड़ती। कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति होगी कैसी? ऑप्शन नंबर बी, अधिक फोकस दूरी होगी। उत्तल लेंस आपको बता देना है कि होगा। नंबर 26, सूर्य का द्रव्यमान है कितना है? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, 10^29 टन होता है सूर्य का द्रव्यमान। अच्छा, सूर्य का जो द्रव्यमान है ना अगर केजी में आपसे पूछे, ध्यान दें किसमें, केजी में, आप इसे याद करिए, 1.98 × 10^30 kg, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, मतलब पता नहीं है। अब बताएं आप किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? ए राइट आंसर, हमेशा उत्तल लेंस की होगी, इसे याद रखिएगा। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है, शक्ति पूछा है किसका ज़्यादा होगा, उत्तल लेंस का हमेशा ज़्यादा होता है, बस इतना याद रखें। स्मॉल m दिया हुआ है, द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग बताएं। ऑप्शन नंबर बी आप याद कर लीजिए, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 29 है, साधारण दोलक की आवृत्ति दिया हुआ है, 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा कितना,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 120 बार आपको ध्यान रखना है। माल्थस सिद्धांत, इसके मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैथ्स का सवाल है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा। आंसर आपको बता दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 32 को सॉल्व करिएगा, बी 33 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 34 में ऑप्शन डी 35 सॉल्व करिएगा, फिर से बी आपका यहाँ पे। 36 को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सी। 37 में ऑप्शन सी। 38 बी। 39 पाई बाय 2 आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि नंबर सेकेंड। नंबर 40 को सॉल्व करिएगा, बी आ जाएगा 20,800 वर्ग सेंटीमीटर राइट आंसर। आइए 41 से देखते हैं। फारसी साप्ताहिक नाम है मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कीन्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। नंबर 43 है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना पूछा जाए तो वर्ष 1915 में किया गया था, ठीक है। इन्होंने ही, पंडित मदन मोहन मालवीय ने फरवरी 1916 में एक और काम किया था जो काफ़ी फेमस रहा है, बीएचयू की स्थापना इन्होंने की, और इनको ना महामना कहा जाता है। एक और यहाँ पे अगर आप पॉइंट याद करना चाहें, जो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस वक्त कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की ही अध्यक्षता में मतलब जांच समिति बनाया था, ठीक है। और चलिए इतना फिलहाल ध्यान रखिए, आगे फिर आपको बताया जाएगा। राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी पेरिस आपको यहाँ पे टिक करना होगा। अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां, जिसे आप बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हो। देखिए अवध के बारे में एक बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति स्टार्ट किया था ना, उन्होंने 1856 ईस्वी में अवध को अपने शासन में मिला लिया था कुशासन के आरोप लगा करके, ठीक है। तो किसने? डलहौजी ने 1856 में किसको? अवध को अपने में मिला लिया था। अवध राज्य की राजधानी भी पूछा जा सकता है तो आप लखनऊ बता देंगे। ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी, मतलब इसकी स्टार्ट की गई है? ऑप्शन नंबर बी 1922 में। देखिए 1922 से पहले ना ICS परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ मतलब नहीं होता था, अलग अलग डेट पर होता था। अच्छा, सबसे पहले अगर एक सवाल यह पूछ ले ICS की परीक्षा सबसे पहले भारत में कहाँ पर हुआ था, तो आप जरूर याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि यहाँ पे इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद का नाम बदल चुका है लेकिन उस वक्त के इलाहाबाद में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई, जो 1861 के बाद भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जाना लगा स्टार्ट हुआ? तो कार्नवालिस याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी ऑप्शन नंबर बी आद्र तथा शुष्क जलवायु वाले कटिबंध वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 49, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली संख्याओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? सहभूकंप रेखाएं कहलाती है, जिसे आप हीमो सिस्मल लाइंस के नाम से भी जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है?
यहाँ पे सही जवाब बताइए, सोचिए क्या होगा। मैग्नीज के लिए कहाँ जाएंगे? ऑप्शन डी, कहाँ पर? ओडिशा में किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। देखिए मैग्नीज के उत्पादन में भारत का अगर पूछिए कि विश्व में कितने नंबर पर भारत है, तो भारत कितने नंबर पे है, तो थर्ड पोजीशन पे बना हुआ है, याद रखिएगा। अब बॉक्साइट पूछेगा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सेकेंड नंबर पे आता है दोदा बेटा। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। और यह कितने किलोमीटर लंबी है? 760 किलोमीटर, याद रखिएगा। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन बी। 2021 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा बना? अपना भारत। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखिए सूती है, चीनी है, जूट है, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है ना कृषि से इसका कोई संबंध नहीं, आप समझ ही गए होंगे। भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? देखिए जाड़ा और गर्मी की दो अस्पष्ट ऋतुओं का होना भारत में होता है। वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना होता है। जलवायु का मौसम हवाओं से प्रभावित होना होता है, ऑप्शन डी टिक करेंगे। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? उपभोग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सही जवाब है। यकृत कार्य बताइए, यहाँ पे आपको ठीक करना होगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन का कार्य करता है। 61 है। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? प्रदूषण मुक्त, ऑप्शन ए हो जाएगा, वही होगा स्वच्छ ईंधन जो प्रदूषण मुक्त रहे, मुक्त रहे क्या मुक्त करे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली, ऑप्शन बी। इनमें से क्या है जो क्षार है? ऑप्शन नंबर सी NaOH, आपको ध्यान रखना है, बताना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, जीन। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला, ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला जो है बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लिथियम में, सोडियम में, आपको पोटेशियम ध्यान रख लेना है। डैश क्या है जो जापान का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन नंबर बी, जापान का राष्ट्रीय खेल का नाम सूमो है। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? ऑप्शन डी, AR आपको बता देना, AR मतलब आर्गन, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम किस में होता है? पशु कोशिका में। लाइसोसोम हो गया, गॉल्जी बॉडीज है, राइबोसोम है, ये आप जानते हो ना, इंसान में होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताएं, ऑप्शन बी पोटेशियम हो जाएगा सही जवाब। स्टार्टअप इंडिया हब को उद्यमितों ने कह रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया हब को उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन के लिए कब क्रियाशील किया गया? ऑप्शन नंबर बी 2016 में। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रवण से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो
तो ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, साइमंड आपको यहाँ पे टिक करना होगा। निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। मानव के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों की सहायता से ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। ये सही जवाब है। बेटा क्या बिगार के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद की है। गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में चार तरह के दांत पाए जाते हैं। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था। यहाँ पे भी आपको टिक करना होगा, नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? राष्ट्रपति के वेतन पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार की राजभाषा है? बिहार की राजभाषा हिंदी और उर्दू। हिंदी पहले, उर्दू सेकंड पे है। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो देशों को विभाजित करता है? अमेरिका और कनाडा को करता है। सी राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सत्य है? बिहार विधान परिषद राज्य का निम्न सदन है, गलत हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। हाँ यह सही है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। सही बात है। दूसरा तीसरा कथन सही है। 84 का बी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के नीचे। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत कौन सा है? देखिए ऑप्शन पहले देखिए फिर राइट आंसर सोचिएगा। तो बी राइट आंसर राजस्थान। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के मृत्यु के अंदर दूसरा जो प्रत्याशी है कितना दिन तक अंदर में खड़ा कर देना चाहिए होता है? सी राइट आंसर 7 दिनों के अंदर। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त कर लिया? ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना के। निम्न में से कौन BCCI के अध्यक्ष हैं? आपको रोजर बिन्नी टिक करना है। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? तो यहाँ पे दी राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकर्ता इनमें से कोई नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में कासिम ने सिंध पर कहिए कि हमला किया था। अच्छा यहाँ पे रोजर बिन्नी है ना, ये 76वें नंबर का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? एग्जाम से पहले इस डेटा को आप देख लीजिएगा फिर से। क्रम के अनुसार जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया था, बताइए कौन सा है? देखिए गुलाम वंश 1206 से 90 तक रहा था। किस कौन रहा था? गुलाम। 90 में आ जाता है कौन? खिलजी। 90 से रहा था 1320 तक। 1320 में आ जाता है तुगलक। और ये रहता है 1414 तक। 1414 में फिर आता है एक कौन? गुलाम
ये तीनों हो गए आपके 1414 तक, यहाँ तक ध्यान रखिए। पहले तो 1206 से 90 तक पहले गुलाम वंश आता है, ऑप्शन अगर देखिए ए गुलाम खिलजी फिर तुगलक सही जवाब हो जाएगा। मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1215 आपको ध्यान रखना है। दूसरा वाला विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ था, 1939 से 45 तक चला था। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से, बी राइट आंसर है। ट्रांसलेट करिए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, स्टडी रिलीजियस बुक्स हो जाएगा सही। यहाँ पे टू स्टडी रिलीजियस बुक्स, यह भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन अगर दो पूछा है तो दो और तीन को आप टिक कर सकते हैं। गौतम बुद्ध को मतलब से देख लेते हैं। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, थोड़ा सा दो बार कहिए कि पीडीएफ तैयार हो चुका था। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, डू नॉट गिव यू एन एंड यू प्रेशर ऑन हिम, सही जवाब है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज मधु, यहाँ पे मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। यानी कंपेयर किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको टिक करना होगा। 99 कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सेड हैप्पी दिवाली, यहाँ पे ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यू मस्ट के साथ आपको हैव, यू मस्ट हैव लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अब अगर क्लास अच्छा लगा हो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, कुछ कहना हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।